दिनों का सौधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर वोटिंग हो रही है, जहां 5.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटिंग करवाने के लिए 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में मतदान के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजस्थान में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जनता के मन को जीत कर चुनाव जीतने की कोशिश में है, लेकिन इस चुनाव में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। जी हाँ, आज अपना वोट डालने के बाद राजस्थान कांग्रेस का सबसे अहम चेहरा माने जाने वाले सचिन पायलट ने कुछ ऐसा कहा कि लोगों के मन में इस तरह के सवाल खड़े हो गए। वोट डालकर बाहर निकले पायलट ने इशारों में अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एक आदमी चुनाव नहीं जिता सकता। उनके इतना कहते ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि पायलट का ये इशारा असल में अशोक गहलोत की ओर था। और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहां विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहां सरकार बना पाएंगे। दरअसल मीडिया के सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने कहा, हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना हरवा सकता है और ना ही एक व्यक्ति चुनाव जिता सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है। 2018 में भी हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इस बार भी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार तो हम विपक्ष में थे, लेकिन इस बार हमारी सरकार थी और हमने जनता को डिलीवर किया है। साथ ही सचिन पायलट ने पार्टी में तनाव और नेताओं में कथित मनमुटाव के सवाल पर कहा कि हम लोग चुनाव मिलकर ही लड़ रहे हैं। जो बिखराव या खिंचाव है या तनाव है, वो बीजेपी के खेमे में है। सचिन पायलट ने पार्टी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई है और कहा है कि इसके लिए पार्टी नेताओं ने मेहनत की है, ग्राउंड पर काम किया है। सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि मतदाता सही फैसला करेंगे। 5 साल के रिवाज पर पायलट ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि जनता चाहती है कांग्रेस सरकार फिर से बने। हाल ही में पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई है, जिसका फायदा राजस्थान में होगा। पायलट ने कहा कि बीजेपी 5 साल अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उम्मीद जताई कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत ने सरदापुर में वोट डाला। वोट डालने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया है और कहा, हमारी सरकार दोबारा आ रही है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, उनकी बातों में दम नहीं है, अब ये लोग गायब हो जाएंगे, अब ये 5 साल बाद आएंगे, हम यहीं रहेंगे, जनता के बीच आएंगे और उनके सुख दुख की बात करेंगे। आपके सामने ही हो रहा है मेरा प्यार दुलार, ये मेरा मौला है। मेरे मौले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनका इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना। सर चौथी बार आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है। गारंटी होगी, कैडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैडिबिलिटी गारंटी होगी है, सरकार रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी की बातों में कोई दम नहीं है,
ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यही रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग, आप समझ सकते हो। जनता के लिए हाथ रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान मतदान को लेकर कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है, वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मत अधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज तो इस चुनाव अखाड़े का गेम तो ओवर हो जाएगा, लेकिन इसकी अगली पारी देखने को मिलेगी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। तो इंतजार करिए और देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।